Realme Pad 2 रियल में कुछ अलग ही कर दिया इस बार आपके लिए Realme वालों ने, क्योंकि यहाँ पे लेके आए हैं वो 8360 मिली एम्पियर की बैटरी इस टैबलेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। और बात करें स्पेशली किस चीज़ पे फोकस किया गया है इस डिवाइस के अंदर, जैसे कि लॉन्ग बैटरी लाइफ, जितना भी आप यूज़ करें एटलीस्ट पूरा काम वो कर सके, और लार्ज डिस्प्ले जो कि ज़्यादा कर ज़रूरत होती है, और साउंड क्वालिटी पर फोकस किया और फंक्शनैलिटी भी अच्छी दी गई है। जैसे कि स्पेशली डिज़ाइन जो है हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासें अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज की डेट में हम कि 60% मटेरियल जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन सर्च करते हैं, अच्छा लगता है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अपनी किताबों में नोट डाल के ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो हमें टैबलेट के रूप में देखने के लिए मिले या अलग एसेसरीज़ में देखने के लिए मिले, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टिकुलर किसी बायजूस हो गया या कोई अदर्स एप्लीकेशन हो गई, लेकिन यूट्यूब पे भी आपको बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए मिल जाती हैं, और सर्च हिस्ट्री हो गए एक्सेट्रा, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्क्रीन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ है। बात करें स्पेसिफिकेशन की, लेकिन उससे पहले बात करें इसके प्राइस की, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 19,999 रुपये देखने के लिए मिलता है, लेकिन बात करी जाए तो स्टूडेंट्स ऑफ़र, कुछ अदर्स ऑफ़र मिला के और एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं तो 500 रुपये का वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है, तो मतलब आपको 2000 से लेके 2500 तक का डिस्काउंट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी दी गई है। और बात करें जो ये वेरिएंट देखने के लिए मिलता है आपको LTE, Wi-Fi, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, तो इस तरीके की इसमें आपको फंक्शनैलिटी भी देखने के लिए मिलती है। और फर्स्ट सेल जो है वो आपको 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। ऑफिशियल लॉन्च जो है आपको 26 जुलाई 2023 में देखने के लिए मिलेगा, जहां Realme ऑफिशियल लॉन्च करेगा, लेकिन जो फर्स्ट सेल आएगी वो 1 अगस्त 2023 को ही आएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अराउंड 1 वीक। और इसकी बात करें डिस्प्ले के साइज़ की, तो 11.5 इंच का एक लार्ज डिस्प्ले साइज़ देखने के लिए मिलता है, 120 हर्ट्ज आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, 2K डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो इसका पैनल है डिस्प्ले वो LCD देखने के लिए मिलता है, तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपके आंखों पे इफेक्ट डाल सकता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस और जिस कंडीशन में बैठे हैं उस कंडीशन में ही डिस्प्ले का यूज़ करें, मतलब हाई ब्राइटनेस 24 आवर्स अच्छी नहीं है। बात करी जाए तो इसमें जो आपको बैटरी देखने के लिए मिलती है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 8360 मिली एम्पियर की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और उसे चार्ज करने के लिए अराउंड आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो। Realme UI 4.0 देखने के लिए मिलता है अब तक का लेटेस्ट। और बात करें इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो Helio G99, जो नॉर्मली 10,000 के सेगमेंट के नीचे के मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलता है, वही प्रोसेसर, मतलब ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं। आपकी यूट्यूब की लर्निंग हो गई, हम बात करें ऑनलाइन क्लासेस हो गई, या आपकी सर्च रिलेटेड मटेरियल हो गया एक्सेट्रा, तो उसके लिए सही है। कभी कभी छोटे मोटे गेम भी इंस्टॉल करके खेल सकते हैं, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। हाई राइज ऑडियो देखने के लिए मिलती है। और बात करें कैमरा सेटअप की, तो ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि फोटो क्लिक करने के लिए दिया जाता है, तो 8 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा, वीडियो कॉलिंग या हम बात करें एक्सेट्रा काम के लिए आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया जाता है। बात करें यहाँ पे क्या ये एकदम परफेक्ट टैबलेट है, मतलब 17,000 रुपए की रेंज में, क्योंकि अभी कोई फाइनल नहीं है, जब ऑफिशियल सेल आएगी वहाँ पे कितने एक्चुअल डिस्काउंट मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मली आपको सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, LTE वर्जन की ज़रूरत नहीं है, और आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, या स्कूल में भी आजकल वाईफाई फैसिलिटी नॉर्मली है। और बात करी जाए तो जब आपके पास ऐसा लगता है कि 24 आवर दूसरा मोबाइल रहने वाला है या कोई आसपास रहने वाला है, उसका हॉटस्पॉट से काम चल जाएगा, तो ये आपको अराउंड 12,000 रुपये की रेंज में देखने के लिए मिल जाता है। ये नहीं, सैमसंग का टैबलेट ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे उसे भी चेक कर सकते हैं, सेम ही फैसिलिटी के साथ आता है, ज़्यादा बिग डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। प्राइस आपको 13,000 रुपये दिखाता है, लेकिन डिस्काउंट मिला के वो 12-11.5 तक की रेंज में वो भी पड़ता है। और बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं टैबलेट, तभी वो यूज़फुल है उसी तरीके से। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो ये टैबलेट सफिशेंट है, बट आप हाई परफॉर्मेंस के लिए या मल्टीपल टास्किंग के लिए ले रहे हैं या कुछ और एक्सेट्रा काम, जैसे कि आप क्रिएटर है या वीडियोग्राफर है एक्सेट्रा, तो उनके लिए पार्टिकुलर स्पेसिफाई टैबलेट अवेलेबल है। एप्पल की बात करें, सैमसंग की बात करें,
या हम रियलमी की भी बात करें तो वहाँ पे एक्सपेंसिव टैबलेट में मूव ऑन होना चाहिए। लेकिन ये टैबलेट एक बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ आता है, तो इसके लिए प्राइस का या स्पेसिफिकेशन का मजाक उड़ाना बेकार है, क्योंकि जो फैसिलिटी आपको दी जा रही है वो लमसम सही प्राइस में दिखती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।